हेलो एवरीवन, नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सी डेजर्ट रेसिपी, कस्टर्ड केक की रेसिपी। इसे आप इंस्टेंटली 15 से 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ना ही इसे बेक करना है और ये घर में रखे हुए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनकर तैयार हो जाती है। इसमें कस्टर्ड, पुडिंग, रबड़ी, केसर सभी का कॉम्बिनेशन है और इसका टेस्ट तो इतना लाजवाब है कि आप भी इसे बनाए बिना नहीं रहेंगे। तो चलिए इस सुपर टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले कस्टर्ड वाला दूध बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके दूध उबालने के लिए रख दिया है और यहाँ पर ये मैंने 1 लीटर नॉर्मल दूध लिया है। आपके घर में जो भी नॉर्मल दूध आता है आप उसी से रेसिपी बना सकते हैं। दूध में अच्छा सा उबाल आने तक हम वेट करेंगे। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम 4 छोटी चम्मच कस्टर्ड पाउडर एक बाउल में डालेंगे। ये मैंने यहाँ पर वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है क्योंकि इसमें वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ही अच्छा लगता है। और ये मैंने यहाँ पर 1/2 कप दूध लिया है। दूध ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, ये हमारा कस्टर्ड पाउडर का घोल बनकर रेडी हो गया है और यहाँ पर दूध में भी उबाल आ गया है। इसे हम चम्मच से चला देंगे और यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी चीनी ऐड करेंगे। वेट में देखेंगे तो ये 150 ग्राम चीनी है। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और दूध को लो टू मीडियम फ्लेम पर तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये दूध पकते पकते आधा ना रह जाए। यहाँ पर दूध को हमें अच्छा सा गाढ़ा करना है और इसकी जो मलाई निकलेगी इसे हमें दूध में ही मिक्स करते जाना है। देखिए, आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी कम हो गई है और ये हल्का सा गाढ़ा हो गया है। अब हम दूध में कस्टर्ड पाउडर का घोल डालेंगे। घोल को दूध में डालने से पहले चम्मच से मिला लीजिएगा क्योंकि कस्टर्ड बाउल में नीचे हल्का सा जम जाता है। ये घोल हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते जाएंगे और चम्मच से मिलाते जाएंगे ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी लम्स ना पड़े। और हमें दूध को कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाना है। तो मैंने इसे 4 मिनट पका लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है। अब हम इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर काजू, बादाम और पिस्ता को बारीक काट लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा कस्टर्ड वाला दूध बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और ये मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है। तो चीनी को हम इसी पैन में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। जितनी हमने यहाँ पर चीनी ली है उसका 1.5 गुना हमें इसमें पानी डालना है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और यहाँ पर चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और चीनी को मेल्ट होने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे ताकि ये जो चाशनी है हल्की सी थिक हो जाए। हमें यहाँ पर 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस चाशनी में हल्का सा चिपचिपापन आ जाए हमें इतना ही इसे पकाना है। तो इसे मैंने 3 मिनट पका लिया है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है और ये हल्की सी चिपचिपी हो गई है। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, इसे ओवर कुक नहीं करना है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं इसमें फ्लेवरिंग के लिए 8-10 केसर के धागे ऐड कर रही हूँ और इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए मैं इसमें 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ। तो ये हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। इस केक को बनाने के लिए ये मैंने यहाँ पर टोस्ट लिए हैं। इसे सूजी रस्क भी बोला जाता है। ये मैंने यहाँ पर ब्रिटानिया टोस्ट लिए हैं। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं और इससे हमारा इंस्टेंटली बहुत आसानी से कस्टर्ड केक तैयार हो जाएगा।
अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इससे कस्टर्ड केक बनाएंगे। तो इससे बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार डेजर्ट रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर बेकिंग डिश ली है। सबसे पहले ये जो रस्क है इसकी हम इस तरह से फर्स्ट लेयर तैयार करेंगे और ये जो साइड में जगह बची हुई है इसमें हमें छोटे छोटे पीसेस रख देंगे। ये देखिए ये फर्स्ट लेयर रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर हल्की सी गरम चाशनी डालेंगे। तो मैंने इसके ऊपर चाशनी डाल दी है। आप देख सकते हैं कि ये जो रस्क है ये चाशनी को अच्छे से सोक कर रहे हैं। ये अच्छे से सोक हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर ये जो कस्टर्ड वाला दूध है इसकी लेयर डालेंगे। चारों ओर अच्छे से कस्टर्ड दूध की लेयर लगा देंगे। आप चाहें तो कस्टर्ड दूध को पकाते समय थोड़ी सी मलाई डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें मलाई नहीं डाली है क्योंकि मैंने दूध को हल्का सा गाढ़ा करके बनाया है। तब भी आप देख सकते हैं कि दूध कितना क्रीमी लग रहा है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो इसमें डाल सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स की जगह नारियल बुरादा भी डाल सकते हैं। और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट लेयर पूरी तरीके से रेडी हो गई है। अब हम फिर से इसी तरह से सारी लेयर को रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम रस्क की लेयर लगाएंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। कस्टर्ड वाला क्रीमी दूध डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स से गार्निश करेंगे। तो ये हमारी डेजर्ट रेसिपी रेडी हो गई है। तो आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है और इसको बनाने में हमें ना ही क्रीम को फेंटना पड़ा और ना ही इसे बेक करना पड़ा। तो ये इजीली हमारा कस्टर्ड केक तैयार हो गया है। अब हमें करना क्या है कि इसे 5-6 घंटे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखना है। जितना ये ठंडा होगा उतनी ही अच्छी ये पुडिंग बनेगी। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो मैं अब इसे फ्रिज में रख देती हूँ। मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और मैंने इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गया है। अभी हम इसे थोड़ी देर फ्रिज से बाहर रखेंगे तो ये हल्का सा गीला हो जाएगा। अब मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है। मैं एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। वाह, तो ये देखिए आ रहा है ना मुंह में पानी। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छी डेजर्ट रेसिपी बनी है। मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। तो ये हमारा सुपर टेस्टी कस्टर्ड केक बनकर रेडी हो गया है। और हाँ फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कस्टर्ड डेजर्ट रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।